आज तो खेल के मजा आ गया। ये आप टीवी देख रही हो? मुझे क्या परी, दे दो तुम पहले ना आकर आ जाओ, दे दो मुझे। क्या परी तुम भी? नहीं मुझे टीवी देख। मम्मी परी ने देखो पूरा घर गंदा किया है। परी जाओ जल्दी नहा लो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी। जाओ जल्दी। हाँ हेलो। डॉक्टर साहब देखो ना मेरी बहू को क्या हुआ, प्लीज आप चेक करो ना, ये कब से बेहोश पड़ी है। एक मिनट चेक करता हूँ। नस तो बराबर चल रही है, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब वैसे तो रोज मैं इसे टेरेस से धक्का देती हूँ लेकिन हमेशा बच जाती है, आज पता नहीं धक्का दिया तो ये बेहोश ही हो गई, मर नहीं गई। तब तो इनके दिमाग में बहुत गहरी चोट लगी होगी। मैं कहा हूँ आप कौन है? डॉक्टर मैं कौन हूँ? ऐसा भी कभी होता, क्या पता क्या हुआ। लगता है इनकी यादाश्त चली गई। डॉक्टर साहब अब हम क्या करेंगे? देखिए जरा ऐसे केसेस है वो अक्सर नॉर्मल निकलते हैं लेकिन अच्छा। आप इनका थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ सदमे वाली बातें ना करें, उनसे दिल में ठेस ना पहुंचे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब मैं समझ गई, मैं ना इसका सेम स्वीटी जैसा ध्यान रखूंगी। अच्छा अच्छा वो स्वीटी जो आपकी दूसरी वाली बेटी, वो नहीं नहीं मेरी बेटी नहीं, वो आपको गेट के यहाँ पे काट लिया था ना डॉगी, स्वीटी हमारा डॉगी है। अभी है इधर? नहीं नहीं अभी नहीं है, उसके जैसा इसका ध्यान रखूंगी। अच्छा 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 ठीक है वैसे रोज एप्पल जरूर दे देना उसको। ओके देखिए स्वीटी को तो एप्पल पसंद नहीं जी। ये टीवी में भी ना कुछ भी दिखाते हैं। परी नहाने गई कि नहीं? मैं अपना मोबाइल पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे लेके बैठी हो। हाँ मम्मा दो मिनट खेलने दो ना। क्या खेलने दो? आज का होमवर्क किया? मम्मी दस मिनट में कर लूंगी ना। दस मिनट में कर लूंगी? ऐसा ना तुमने मुझे कल भी बोला था कि मम्मा मैं तो 5 मिनट में होमवर्क कर दूंगी, वो तो किया नहीं, आज का भी नहीं किया, तो कब करोगी होमवर्क? देखो अब मैं नीचे खेलने जाऊंगी उसके बाद में होमवर्क करूंगी। अच्छा परी तुम ना बस खेलने का ही काम करती हो, होमवर्क वोमवर्क तो तुम करती ही नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स देखे कितने कम आए है। मम्मा दे दो ना 2 मिनट। क्या दे दो ना, जाओ पढ़ाई करो अभी। आप मुझे हमेशा डांटती हो। तो परी तुम हमेशा ऐसे काम ही करती हो ना डांट खाने जैसे, चल जाओ जल्दी। A few moments later. अरे किसने इतना ऊपर रख दिया मेरा ड्रेस, अभी मुझे चाहिए तो मैं कैसे निकालू। परी परी जल्दी से स्टूल लेके आ जाओ। लड़की भी ना ये लो बाजार। ए क्या जा रही हो, इसके ऊपर चढ़ और वो ड्रेस निकाल के दे। ए दीदी को बोलो ना। दीदी पढ़ाई कर रही है, तुम चढ़ो जल्दी से चलो। तो हमेशा नाटक करती है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो ध्यान से निकालना। अरे परी जल्दी से निकाल के दो ना। परी बेटा क्या हुआ? परी परी उठ जाओ। मम्मी क्या हुआ उसे? गुड्डी। हाँ मम्मी। मम्मी क्या हुआ? परी यहाँ पे सोई है। सोई नहीं है पागल, वो गिर गई है। एक काम कर जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन कर। परी परी बेटा क्या हुआ तुम्हें? हेलो परी परी बेटा परी परी उठो ना। क्या हुआ इसे, ये डॉक्टर साहब कब आएंगे? इतनी जल्दी में बुला लिया मुझे, बोलिए क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब देखो ना परी ना वो स्टूल से गिर गई और पता नहीं उसे होश ही नहीं आ रहा है, वो बेहोश है कब से। स्टूल से गिर गई और होश नहीं आ रहा है? हाँ वो स्टूल भी छोटा सा ही था। फिर क्या हो सकता है? अब जरा चेक करो। हाँ मुझे चेक करने दीजिए। हाँ चेक करते हैं। डॉक्टर साहब कुछ सीरियस तो नहीं है ना? पहले चेक करने दीजिए फिर देखते हैं। सब ठीक लग रहा है, एक मिनट चेक करते हैं। कैसे पेटी लेके आते हो? बंक बंक
कहाँ पे चोट लगी थी? अरे यहाँ पे फर्श पे गिरी वो। अच्छा सिर पे लगा था? पता नहीं ये डॉक्टर। ठीक है मैं चेक करता हूँ। सर पे ही ऐसे केसेस में चोटें लगती है। ये देखिए मैंने बोला था ना यहाँ पे लगा है। अच्छा और छोटी सी खरोच है उससे कुछ होना नहीं चाहिए। खरोच से लेकिन उसे होश क्यों नहीं आ रहा है? होश नहीं आ रहा है? कितना टाइम हो गया? 15-20 मिनट हो गए। वो होश तो आना चाहिए था। खरोच से थोड़ी ऐसा होता है। अब अगर ऐसा 2-3 घंटे तक चला इसको होश नहीं आया तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा होश आ गया। भगवान भगवान की दुआ है। उठो उठो बेटा उठो संभाल के। हाँ हाँ बैठिए। हाँ हाँ कैसा लग रहा है अभी? परी कैसे लग रहा है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पे हूँ? जैसे की बोल रही है मुझे क्या पता आप डॉक्टर हो। आप कौन? ये कौन है? आप कौन है? आंटी? आंटी नहीं है तुम्हारी माँ है वो। और आप कौन हो दूसरी आंटी? अगर मैं तेरी दीदी हूँ ये आंटी अच्छी नहीं है। वो आंटी बोल रही है इनको एक मिनट मुझे थोड़ा ठीक से चेक करने दीजिए आंखें वगैरह। ठीक से चेक कीजिए। ओ बहन जी आप जरा वहाँ पे चलिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आइए आइए बात करो। आराम करो। हाँ बेटा आराम करो। डॉक्टर साहब क्या हुआ? परी ऐसा क्यों बोल रही थी? वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? आपकी बेटी को भूलने की बीमारी है? नहीं नहीं उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। पहले से नहीं है तो इतनी सी छोटी सी खरोच पे कोई भूल नहीं सकता है। तो वो ऐसे क्यों कर रही है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे कुछ होना चाहिए। उसे थोड़ा आराम करने दीजिए हो जाएगी ठीक। अच्छा पक्का ना डॉक्टर? हाँ हाँ हो जाएगी। अच्छा ठीक है चलेगा। इतनी ठीक है कि उसको दवाई की भी जरूरत नहीं है। छोटी सी खरोच है हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ कुछ होगा फोन करूंगी। हाँ हाँ फोन कर दीजिए मैं जा आ जाऊंगा। ओके ओके डॉक्टर साहब। परी बेटा कैसे लग रहा है तुम्हें अभी? ठीक लग रहा है? हाँ पर थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है। अच्छा वो तो करेगा थोड़ा सा दर्द। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं कुछ लाऊं? हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा हाँ मैं ना तुम्हारे लिए बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बना के लाती हूँ। ठीक है खिचड़ी नहीं बर्गर चाहिए था मुझे। बर्गर? हाँ ठीक है मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए बर्गर। ठीक है और उसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए? मम्मी मेरे लिए भी। चप्पल दे तुम्हें चप्पल दो। ठीक है बेटा मैं लेके आती हूँ। ठीक है तुम आराम कर रहा इसका ध्यान दो। हाँ ठीक है तुम सो जाओ। आंटी दीदी ठीक है दीदी क्या मुझे मोबाइल मिलेगा आपका? क्यों? आपके पास ही गेम है ना वो खेलना। मुझे अभी काम है। शादी भी नहीं हुई है। दे दो इसे मोबाइल। तुम भी दिन भर मोबाइल में रहती हो। ये तुझे पता है ना इसकी तबीयत ठीक नहीं है। थैंक यू आंटी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए ना बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ठीक है इसका ध्यान दो। A few moments later. Yay! अरे बेटा ये लो मैं तुम्हारे लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। थैंक यू आंटी। खा लो तुम खा लो। ध्यान से आ गरम होगा। हाँ बहुत गरम है। हाँ फिर आराम से खाओ तुम। हाँ मैं ये खाती हूँ बहुत टेस्टी है। हाँ बर्गर तो बहुत टेस्टी था। तुमने तो मुझे एक बाइट भी नहीं दी। वरना अभी तक मेरा पेट नहीं भरा। इतना बर्गर खाया फिर भी पेट नहीं भरा? नहीं कुछ स्वीट्स खाने का मन कर रहा है। स्वीट तुम्हारे लिए शक्कर लेकर आ। नहीं चॉकलेट मिल जाएगी ना तो अच्छा हो जाएगा। चॉकलेट भी चाहिए? हाँ चॉकलेट नहीं है घर पे। मैंने देखा था तुम्हारे कबर्ड में ना एक डेरी मिल्क थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो याद भूल गई है ना। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। सर कैसे दर्द करते हैं? मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू मुझे भी दे दो थोड़ी सी। नहीं
मैं नहीं दूंगी। चॉकलेट भी बहुत टेस्टी थी। अब ना कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है। स्नैक्स प्लीज। बंक बंक। अरे अच्छे से। परी मैं अंकल नहीं हूँ, तुम्हारा मैं पापा हूँ। अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है क्या? मैं ना बहुत बोर हो गई हूँ अंकल, क्या आप मुझे आपका आईपैड दोगे? आईपैड आईपैड दे। तुम्हें कैसे पता मेरे पास आईपैड है? मैं सर में बहुत दर्द हो रहा है। आता। अरे मेरी बच्ची बेचारी। ये लो आईपैड ले लो। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं पापा। हाँ पापा, थैंक यू पापा। अभी ठीक लग रहा है ना? प्रीति, मुझे लगता है कि परी ना एक्टिंग कर रही है सिर्फ। हाँ मुझे भी लगता है कि वो बीमार कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा कर रही थी। वैसे तो उसे याद भी था कि मेरा आईपैड है, कहाँ पर रखा है। और गुड्डी भी बोल रही थी कि उसको याद है कि उसके पास चॉकलेट है और कहाँ पे रखी है। देखा तो नाटक ही कर रही है। लेकिन उसका नाटक हम कैसे बाहर निकालेंगे? कुछ भी बोलो तो अपने सर पकड़ लेती है, आ कर लेती है। तो नाटक ये करने के लिए एक काम करते हैं, उन डॉक्टर को ही बुलाते हैं। डॉक्टर बाटली वाला को? डॉक्टर बाटली वाला को बुलाते हैं और उनको ही बोलते हैं कि उसके नाटक को पर्दाफाश करे। तो ठीक है रुको, मैं अभी फोन करती हूँ उनको। ठीक है चलो चलो डॉक्टर साहब, प्लीज आप चेक करो। अच्छा यहाँ पर बैठी है ये लड़की? वहीं पे बैठी है वो। परी बेटा, मम्मी आपने डॉक्टर साहब को क्यों लाया? मम्मी नहीं, अरे आंटी आपने डॉक्टर साहब को क्यों लाया? अरे वो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि तुम्हें देखते चले, इसलिए। मैं फिर से चेक करने के लिए आया हूँ बेटा। रुको। नहीं, मैं तो पूरी ठीक हूँ ना। कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। रुको एक मिनट, भूल रही हो ना तुम सब चीजें। ओहो बहन जी, इसकी हालत तो और खराब होती जा रही है। खराब खराब होती जा रही है, खराब। मैं तो बोलता हूँ इसे अभी के अभी अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। और वो भी ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं, पागलों वाला हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और पागलों वाले अस्पताल में जाके हमें इसको बिजली के झटके देने पड़ेंगे। हाँ इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। ये पापा का आईपैड, ये आपका नहीं, ये भी पापा का मोबाइल। अच्छा। और ये वो बाटली वाले डॉक्टर ना। अरे देखा। मैं तो पूरी ठीक हूँ। शॉक ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट। अच्छा मतलब शॉक ट्रीटमेंट का नाम सुनते ही आ गई। पर इसकी याददाश्त वापस आई है, वो वापस भी जा सकती है, इसीलिए इसको शॉर्ट ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। चलो इसे, अरे कूड़े भाग रही है, पकड़ो उसको, पकड़ो। अरे कोई बचा। कहाँ भाग रही थी तू? और ये क्या कर रही थी तुम ड्रामा? अरे वो मजाक कर रही थी थोड़ा सा। ओ मजाक कर रही थी तू? हाँ थोड़ा। परी ऐसे मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती, तुम्हें पता है उन पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को कितनी तकलीफ पहुंचती है, ऐसा करना चाहिए? नहीं। परी तुमने ना बहुत ही बुरा किया, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करने वाली हूँ। सॉरी मम्मा। क्या सॉरी? तुम्हें पता है मैं, पापा, दीदी हम कितने टेंशन में थे। सॉरी अब से मैं कभी भी नहीं करूंगी। और करना भी मत, अगर तुम करोगी ना तो इस बार तो मैं और पापा तुम्हें शॉक ट्रीटमेंट ही देंगे। नहीं प्लीज, नहीं 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 सॉरी। तो प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा फिर से कभी भी नहीं करोगी। प्रॉमिस, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। फ्रेंड्स जैसे मैंने किया अभी झूठा नाटक, तो वैसे आप कभी भी मत करना। यस।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारी लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। तो परी आती है एवरी वेडनेसडे एंड संडे, तब तक के लिए बाय।